चलिए आज की कक्षा हम जो है प्रारंभ करते हैं। गुरु के बारे में हमने पिछली बार आपको बताया था कि गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है नाश करना। जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करते हैं वो गुरु कहलाते हैं। एक छोटे से गीत में भी गुरु के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु और परमात्मा अरिहंत परमात्मा ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने उनका गुरु का क्या उपकार है इन चारों में वो आगे बताते हैं। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया, हृदय में ज्ञान का दीप जलाया, प्रभु दर्शन का मार्ग बताया, बिना स्वार्थ ही कृपा करे जो, कितने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु ने क्या किया, हमारे जो अंदर अंधकार है अज्ञान है उसको जो है हटाया और हृदय में जो है तत्व ज्ञान का दीपक जलाया। ऐसे गुरु के प्रति अगर हमसे कोई भी छोटी बड़ी भूल हो जाए, जाने अनजाने में हो जाए, तो अगुट्ठियों सूत्र के माध्यम से हमें उसको दूर करना चाहिए। चलिए अगुट्ठियों सूत्र का हम अर्थ समझते हैं। इच्छा कारण संधि सह भगवन। इच्छा कारण का अर्थ होता है इच्छा पूर्वक, संधि सह आज्ञा प्रदान करो भगवन। हे भगवन, हे भगवन, मुझे इच्छा पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। इच्छा पूर्वक आज्ञा प्रदान करने के लिए क्या होता है, हम गुरु के सामने हमें उपस्थित होना पड़ता है, तो इसीलिए उसके आगे वर्ड दे दिया अबुट्ठियोमि, यानी मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं, हे भगवान, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं उपस्थित हुआ हूं। अब क्यों उपस्थित हुआ हूं? अभिन्तर रायम देवसियम खामेओम, यानी रात के किए हुए जो अपराध हैं उनकी क्षमा मांगने के लिए। रात में अगर रायम बोलेंगे, यानी रात में रायम का अर्थ हो गया, देवसियम का अर्थ हो गया दिन के, यानी रात के अपराधों की क्षमा मांगने के लिए या अथवा दिन के अपराधों की क्षमा मांगने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। इच्छम चाहता हूँ, इच्छम का मतलब हो गया चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। खामेमी, रायम या देवसियम, इन दोनों वर्ड में से एक वर्ड बोलना है। क्षमा मांगता हूँ, खामेमी का अर्थ हो गया क्षमा मांगता हूँ। रायम रात संबंधी अपराधों की, या देवसियम बोलिए दिन संबंधी अपराधों की। तो दिन संबंधी अपराधों की अथवा रात संबंधी अपराधों की मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जन का मतलब होता है जो, किंची कुछ, जो कुछ। अपत्यम अप्रीतिकारक, अप्रीतिकारक। परपत्यम विशेष अप्रीतिकारक। प्रीति का मतलब होता है प्रेम पूर्वक, अच्छा लगना, जो कि गुरु महाराज को अच्छा ही नहीं लगा, यानी हमने ऐसा व्यवहार किया उनके प्रति कि उनको अच्छा नहीं लगा, और विशेष अप्रीतिकारक और बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे जो कुछ भी अप्रीतिकारक और विशेष अप्रीतिकारक कौन कौन सी जो बातें हैं, कौन कौन सा व्यवहार है वो भी समझ लेते हैं। भत्ते, भत्ते का मतलब होता है आहार। पाने, पाने का मतलब होता है पानी। विनय, विनय में आहार पानी, आहार आहार में यानी गोचरी देने में, पानी देने में, विनय करने में यानी गुरु का हमने सम्मान पूर्वक आदर नहीं किया। वैयावच्छे, वैयावृत्ते में, वैयावृत्ते मतलब उनको हमने औषधि वगैरह नहीं दिया, अगर उनकी उनको कोई पीड़ा है, उनको कोई समस्या है, उनको दूर नहीं किया। आलाबे, बोलने में यानी हम उसे ऊंचा बोले, ठीक है। संलाबे, बातचीत करने में। उच्चासने, समान आसन रखने में, गुरु के सामने हमें समान आसन में नहीं बैठना चाहिए। संलाबे, उनसे बातचीत करने में कुछ अपशब्द हमने उनसे बोल दिए हो। समासने, समान आसन रखने में, उनसे ऊंचा आसन रखने में। उच्चासने, समासने, समान आसन रखने में। अंतरभाषाए मतलब बीच में बोलने में, गुरु महाराज किसी से वार्तालाप करें, बातचीत करें, अचानक से हम उनकी बात काट दी, तो
तो बीच में बोलने में अंतर्भाषाएं का अर्थ हो गया बीच में बोलने में, और ऊपरी भाषाएं गुरु से ऊपर होकर बोलने में। जं किंची, जं का अर्थ होता है जो, किंची का अर्थ होता है कुछ, मज्झ मुझसे, विनय विनय, परिहीनम रहित मुझसे जो कुछ भी विनय रहित क्रिया हुई हो। कैसी क्रिया रही हो? सुहुमम अर्थ होता है सुहुमम का सूक्ष्म रूप से, बा बायरम अथवा बादर मतलब बड़े रूप से, यानी मैंने कोई भी विनय रहित क्रिया की हो, चाहे वो छोटे रूप में हो सूक्ष्म रूप में हो, सुहुमम मतलब छोटे रूप में सूक्ष्म में, बायरम बड़े रूप में यानी बादर रूप में, मैंने गुरु महाराज के प्रति कोई भी अविनय की क्रिया की हो, जिसमें तुम्हें जाना, जिसमें गुरु महाराज तो जानते हो, आप जानते हो, अहम ना जानामि यानी मैं नहीं जानता, आप जानते हो मैं नहीं जानता, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तत्संबंधी यानी जो कुछ भी आहार में पानी में विनय में ऊंचा बोलने में बिना गुरु महाराज के बीच में बोलने में समान आसन रखने में बैठने यानी समान आसन में बैठने में या ऊंचे आसन पर बैठने में अविनय की क्रियाएं करने में जो कुछ भी वयावचना करने में जो कुछ भी मेरे द्वारा जो पाप हुए हों, दुक्कड़म का मतलब होता है दुष्कृत्य, मेरे द्वारा जो कुछ भी दुष्कृत्य हुए हों पाप हुए हों, मिच्छामि यानी वो सब मिथ्या हो, वो मतलब नष्ट हो, उनकी मैं क्षमा मांगता हूँ। इस तरीके से हमें इस सूत्र को बोलते हुए और अपने मन में भावों का इसका अर्थ का चिंतन करते हुए गुरु महाराज से अपने पापों की जो है क्षमा मांगनी चाहिए। आज की कक्षा में हमने जो है अगुठियो सूत्र का अध्ययन किया, अगली कक्षा में हम आगे के सूत्रों को जो है आपको समझाएंगे, जिन आगम के विरुद्ध मैंने कोई भी अशब्द वचन कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र।